मुस्लिम उन्नति सेवा फर्नीचर की जानिब से अरकम फर्नीचर हॉल 13 मार्च बृहस्पतिवार सलामतुल्ला मस्जिद के पास है ना, एक नशा मुक्त तहरीक जो मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे मुसलमानों के बच्चे और गरीब बच्चे परेशान हैं, जो कुत्ता गोली पाउडर गांजे वगैरह चरस अमुक अमुक किस्म की नशा करते हैं, उसके लिए मालेगांव शहर में औरंगाबाद से डॉक्टर बुलाया जा रहा है, जो बहुत ही इन्हें नामवर और इलाज के माहिर डॉक्टर है, उनको बुलाकर मालेगांव शहर में जिनके जिनके बच्चे आज नशा से परेशान हैं, कुत्ता गोली शराब पीना चरस पीना और वगैरह वगैरह जो नशा करते हैं, उसके लिए बुलाया जा रहा है, और ऐसे लोगों से कोई फीस वगैरह ज़्यादा लेनी जाएंगी, मुफ्त में इलाज किया जाएगा। मालेगांव शहर के अंदर मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक भी मेरी बात पहुँचे, ये खबर पहुँचे, ये लोगों का काम है कि अपने बच्चों को वहाँ तक ले जाना चाहिए और अपने बच्चों को बताकर उनका मुस्तकबिल इलाज करना चाहिए। वहाँ आपको गोली दवा भी मिलेगी, ये गोली दवा खाने से उनका जो मर्ज जो है ख़त्म हो जाएगा, आपका बच्चा पहले जैसे सेरियाब हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये वक्तों का फ़ायदा आप नहीं उठाएंगे तो कल बहुत पछताएंगे। आज मालेगांव शहर के अंदर अनेक कुत्ता गोली खाकर लोग मर्डर कर डालते हैं, झगड़ा कर डालते हैं, फांसी ले लेते हैं, लूड़ मार करते हैं, डकैती करते हैं, नशे के आलम में समझते नहीं कोई चीज़, उसके बाद माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उनके ज़रिए से आवाम और पुलिस भी परेशान रहती है। ये मिशन हमारे मालेगांव के नौजवानों कुछ लेकर चल रहे हैं और हम तक आए, हमारे से कुछ बात सवालात किए, हम इसका जवाब मीडिया के जरिए से भेज रहे हैं आप तक के, और मेरी बात पे बहुत अमल करना, नहीं तो आगे बहुत पछताओगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।